जानवर अक्सर एक दूसरे पर किसी न किसी तरह से हमला करते हैं, लेकिन उसके बाद रिएक्शन कुछ अलग होता है। मगरमच्छ ने सोचा कि उसे एक आसान शिकार मिल गया है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से एक गलत अनुमान था। क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल ईल अपने हमलावर को 600 वोल्ट की शक्ति से मार सकती है? यह बेचारा कुत्ता भी नहीं जानता था। इस कठफोड़वा ने अपने सांप को अपने घोंसले से बाहर निकाल दिया। बस यही कुछ अंडों का आनंद लेने वाला था। एक नज़र डालो कि कठफोड़वा कितनी दृढ़ता से सांप को भगाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा तब होता है जब आप किसी विरोधी को गलत भार वर्ग से चुनते हैं। यहाँ शिकार करने का एक अच्छा उदाहरण दिया गया है, जबकि यह एक उदाहरण है कि कैसे नहीं किया जाए। मरमोट के काटने से कुत्तों की तुलना में अधिक दर्दनाक होने की उम्मीद नहीं थी। न केवल वर्धोग ने अपने वट को जेबरा से लात मारी, बल्कि उसके दोस्त भी बहुत मददगार नहीं थे। बस इन चीखों को सुनो कि हाथी कैसी आवाज निकालती है। क्या आप इस तरह के व्यक्तिगत सीमाएं निर्धारित करते हैं? बिल्ली ने घोड़े पर चढ़ने का फैसला किया, लेकिन ऐसा तब होता है जब आप किसी ऐसे मोहल्ले में घूमते हैं जहां बंदरों का अधिकार होता है। यह आत्मरक्षा का एक शीर्ष स्तर है। एक शेरनी एक जेबरा चुन रही थी, लेकिन उसके पीछे के मजबूत पैरों का हिसाब नहीं रखती है, और इस शेरनी ने स्पष्ट रूप से गलत शिकार चुना। मैं इस कुत्ते के साथ ही उत्तरी दूर पर जाऊंगा। एक शेरनी ने एक जिराफ को चुना, लेकिन उसके मजबूत पैर नहीं देखा। कुत्ते के साथ इस मुठभेड़ के बाद इस मरमोट ने क्या महसूस किया होगा? एक सांप से परेशान खरगोश का वजह अपने ही माँ की प्रतिक्रिया की जांच करता है। यह हाथी और उसके बच्चे अचानक जब नदी से पानी पी रहे हैं, तब यह भैंस शेरों को एक झुंड से घिरी हुई थी, लेकिन देखो वह क्या करता है। आप एक छोटे जानवर होते हैं, लेकिन आप शेरों के एक झुंड से ज्यादा खतरनाक महसूस करते हैं। इस बिल्ली को परवाह नहीं है कि चूहे या भालू का क्या शिकार करना है, लेकिन इस बड़ी बिल्ली में साहस का समान असर नहीं है। एक तेंदुए ने कुत्ते के पीछे जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार कुत्ता पूरी तरह से भाग्यशाली रहा। जब कुत्ते ने एक छोटे से बिल्ली के बच्चे को पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने खुशी खुशी उम्मीद नहीं की थी कि चीज़ें इस तरह का मोड़ लेगी। ये दो शेर पहले से ही एक संतोषजनक रात के खाने की कल्पना कर रहे थे, जब अचानक झुंड बचाव के लिए आया। यो,
आप इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।